हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम हैं हरिहर फोर्ट के नज़दीक में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे हरिहर फोर्ट है और ये है हरसेलवाड़ी गांव। और यहां पे देख सकते हैं यहीं पे भैया के पास होटल है और यहीं पे हम लोग नाइट स्टे किए थे फ्रेंड्स। और ये पूरा देख सकते हैं, ये गांव हरसेलवाड़ी ये पूरा ही जंगल से घिरा हुआ है और काफ़ी घाटियों भरा है रास्ता जो है, और हर जगह आपको जंगल मिलेगा और घाटी मिलेगा फ्रेंड्स। और देख सकते हैं अभी का जो चढ़ाई है हमें वो टाफ फ्लोर पे करना है। टाफ जो दिख रहा है आपको, टाफ का जो हिस्सा दिख रहा है पहाड़ का, उसमें हमको चढ़ाई करना है। और जो काफ़ी हाइट है फ्रेंड्स उसका, तकरीबन जो है 3600 से भी ज़्यादा, 3600 फीट से भी ज़्यादा है उसका हाइट जो है। और देख सकते हैं उसी में चढ़ना है हमें। और नाइट का स्टे हम यहाँ पे किए थे, भैया ने बहुत ही अच्छा हमको यहाँ पे खाना वगैरह भी खिलाए हैं। और यहाँ जब भी आएँ तो आप होटल हरिहर पर्यटन करके, यहाँ पे होटल है, वहाँ पे आप नाइट का खाना या डे का भी खाना खा सकते हैं। और रुकने का भी यहाँ पे जगह है, भैया जो है पर पर्सन 200 रुपये चार्ज लेते हैं और वो जो है बहुत ही अच्छा है, रिलीजिबल प्राइस में होता है। और अगर फूड अगर अवेलेबल नहीं होते तो गांव वाले भी क्या है आपको खाना बना करके खिलाते हैं, उसका अलग से चार्ज लेते हैं, 150 रुपये लेते हैं पर पर्सन के हिसाब से, और खाना बना के आपको खिला देंगे गांव वाले भी। इस तरीके से गांव है। और फ्रेंड्स यहां पे ये जगह है जो कि जानवर भी आते हैं, बोलते हैं नाइट को यहाँ पर बाघ शेर और भी जानवर आते हैं नाइट को। तो जब भी आप कैंपिंग करें यहाँ पे थोड़ा सतर्क होके करें और सेफ़ करें, ताकि आपको किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो आपके साथ। और देख सकते हैं यहाँ पे लाइट तो है, लेकिन बहुत ही लाइट रात को चली जाती है, और लाइट जो है चली जाने की वजह से दिक्कत हो जाती है, सब तरफ अंधेरा हो जाता है। फिर भी कुछ लाइट ऐसे होती है जो इस तरीके से सौर प्लेट लगी होती है, जो कुछ कुछ जगह पे आपको दिखेगा, यहाँ पे वहाँ पे दो चार जगह है, लेकिन जो प्रॉपर जो लाइट है वो सप्लाई नहीं हो पाता है। और देख सकते हैं मेरे पीछे जो है ये झरने बह रही है, और यहाँ से झरने बह करके ये तालाब बन रहा है यहाँ पे, और गांव वाले सब इसी में नहाते हैं, जो भी है इसी से गुजारा करते हैं। और बहुत ही सुंदर गाँव है फ्रेंड्स। और ये जो फोर्ट है 80 डिग्री का सीढ़ी है, हम आगे चलेंगे और जो है आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसका चढ़ाई करनी होती है। और ये जो है जो फोर्ट है 9वीं से 14वीं शताब्दी के बीच ये है बना था, और इसे राजवंश, यादव राजवंश ने बनाया था, और बहुत ही खूबसूरत है फ्रेंड्स। तो आगे है आपको लेके जाएंगे, और अभी हम ट्रैक स्टार्ट करेंगे, हमारा साइकिल हम यहीं छोड़ेंगे अभी। और ये जो चढ़ाई है जो फोर्ट की, हरिहर फोर्ट जिसको बोला जाता है, वो जो है 2 से 3 घंटे की चढ़ाई है, और अंदर जो है बहुत ही सकरा रास्ता है फ्रेंड्स, और बहुत ही सघन सीढ़ी बनी हुई हैं जो बहुत ही खतरों से खाली नहीं है फ्रेंड्स। तो आगे हम चढ़ेंगे और आपको बताएंगे, रास्ते में भी बताते हुए जाएंगे किस तरीके से सावधानी रखनी है और किस तरीके से चढ़ाई करनी है आपको फ्रेंड्स। तो बने रहिए हमारे साथ, कीप सपोर्टिंग। तो अभी हम ब्रेकफास्ट ले रहे हैं फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट लेके हम आगे ऊपर हम चढ़ाई करेंगे। तो ये देख सकते हैं 30 रुपीस लगाती हैं पोहा का भैया जो है, और इसको खा करके हम ऊपर चढ़ेंगे, देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड मेरे सामने हरिहर फोर्ट का ये जो पहाड़ी है, और देख सकते हैं ये कितना विशाल है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, देख सकते हैं बादल को छूते हुए ऐसा लग रहा है, ये बहुत ही विशाल पहाड़ है। और यहाँ से हम ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे फ्रेंड, यहीं से।
ये देख सकते हैं, ये है भाई साहब रास्ता, क्या गजब का। तो फ्रेंड्स बहुत ही सावधानी पूर्वक चढ़ने का, देख सकते हैं कितनी भयानक रास्ते हैं। इस रास्ते में बंदर बहुत हो सकते, बहुत होते हैं बोल रहे हैं, बंदर के साथ साथ चीते भी हैं, होते हैं। और देख सकते हैं ये सब कितनी बड़ी बड़ी पहाड़ियों को चढ़ के चढ़ना पड़ता है। तो फ्रेंड्स और भी आगे हम चल रहे हैं, मेरा सांस फूलने लगा है फ्रेंड्स, और अभी तो चढ़ाई बाकी है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी हमने थोड़े ही ऊपर चढ़े हैं, अभी तो बहुत ऊपर जाना है। ये चढ़ाई है, बीच बीच में ऐसा दुकान आपको मिलेगा फ्रेंड्स। और ये देख सकते हैं हरिहरगढ़ बंदर है यहाँ पे, और ये देख सकते हैं पूरा लिखा हुआ यहाँ पे, पढ़ सकते हैं। तो फाइनली देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी हम लोग ऊपर चढ़ ही रहे हैं, और देख सकते हैं ब्यूटीफुल लोकेशन मिला हमको। तो ये देख सकते हैं नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है, और हमें अभी आगे चलना है उस पहाड़ी पे, देख सकते हैं, और बहुत ही सुंदर है लोकेशन, देख सकते हैं आप। खाऊ नहीं कि तू
तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग आ गए हैं हरिहर फोर्ट के सबसे टॉप जगह पे, और यहीं पे हम लोग चढ़ने वाले हैं। और देख सकते हैं ये कितना ख़तरनाक रास्ता है, और ये 80 डिग्री का स्टेयर्स हैं, और इसमें हम लोग चढ़ेंगे फ्रेंड्स। और देख सकते हैं लोग किस तरीके से चढ़ रहे हैं। वहाँ पे आपको फ्लैग दिख रहा होगा, वहीं पे एक दरवाज़ा है, उसी में हमें इंटर करना है। और देख सकते हैं कितना ख़तरनाक रास्ता है, और ये हम इसी से हम चढ़ेंगे, और ये पूरा पहाड़ी नज़र आता है यहाँ से। और ये फॉग देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये पूरा बादल है और ये आगे बढ़ रही है, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग देख रहे हैं इस पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, और कितना देख सकते हैं कितना 80 डिग्रीज का स्टेयर्स हैं। और देख सकते हैं मेरे पीछे नज़ारे, एक बहुत ही विशाल पहाड़ है, और इसी में हम लोग चढ़ेंगे फ्रेंड्स। और बहुत ही एडवेंचर हो रहा है, देख सकते हैं एक भैया अपने बेबी को लेकर चढ़ रहे हैं, काफ़ी एडवेंचर हैं ये देख सकते हैं। और उसमें टॉप में हमको चढ़ना है फ्रेंड्स, देख सकते हैं मोर एडवेंचर वेरी रिस्की फ्रेंड्स। और देख सकते हैं मेरे पीछे ये पूरा पहाड़ है, ये देख सकते हैं इधर का नज़ारा आप देख सकते हैं। और ये ऊपर हमें चढ़ना है, देख सकते हैं यही स्टेयर है 80 डिग्री का है, और देख सकते हैं वहाँ टॉप तक पहुँचना है अपने को। तो बने रहिए आगे, अभी हम और चढ़ते जाएंगे, आपको जानकारी देते जाएंगे फ्रेंड्स। फिर एक जी उतरा थे जी, ऊपर जगह है क्या दादा? तो ये है गाइस फुल एडवेंचर, देख सकते हो कितना बड़ा पहाड़ को अभी चढ़ रहे हैं। ये 80 डिग्री का पहाड़ है, 180 देख सकते हो भैया फुल एडवेंचर कर रहे हैं, आपस 80 डिग्री के सीढ़ी से उतर रहे हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये जो है 80 डिग्री का पहाड़ है, और इसमें जब भी चढ़े बहुत ही केयरफुल होकर चढ़े फ्रेंड्स। और देख सकते हैं बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है, और ये जो सीढ़ी है वो बहुत ही आपको सावधानीपूर्वक चढ़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये नज़ारा आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ हरिहर फोर्ट में मिलेगा। और ये जो रास्ते हैं ये बहुत ही खतरनाक है, तो जब भी चढ़े बहुत ही केयरफुल चढ़े। तो ये देख सकते हैं मैं फाइनली चढ़ चुका हूँ, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स ये है गेट महाराजा वाला, ये महाराजा गेट है। और मैं दिखाना चाहूँगा इधर का लोकेशन एक बार पीछे का, ये बहुत ही दुर्गम नज़ारा है, और देख सकते हैं पूरा यहाँ से अखा महाराष्ट्र नज़र आता है। तो फ्रेंड्स ये मैं गेट पे चढ़ रहा हूँ फ्रेंड्स, ये मैं चढ़ गया हूँ, तो देख सकते हैं। और मित्र भाव फोटो ये
कर रहे हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग चढ़ गए हैं और ये इनका गेट है। और देख सकते हैं ये बहुत ही ऊपर चढ़े हुए हम लोग देख सकते हैं। ये जो है 3000 से ज्यादा फीट ऊपर है पहाड़ जो है, और बहुत ही भयंकर है। और आगे हम लोग और जाएंगे, देख सकते हैं ये इसी गेट से हम लोग आए हैं और आगे जाएंगे। फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे पानी निकल रहा है बहुत ज्यादा, तो अभी और आगे जाएंगे फ्रेंड्स और बताते हैं आपको। एडवेंचर, फुल एडवेंचर लाइफ हो रहा है हम लोग का, और देख सकते हैं मजा आ रहा है फ्रेंड्स। और देखो ये ऐसा गेट खोल के भाई लोग अंदर आ रहे हैं और मजा आ रहा है। और देख सकते हैं फ्रेंड्स, अब हम लोग इस वाले रास्ते से अब जाएंगे आगे। और देख सकते हैं ये पूरा हाई है और हम लोग आगे जाएंगे इसी रास्ते से। देख सकते हैं ये पूरा खतरनाक रास्ता है और सीढ़ी बनी हुई है इसमें। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही खतरनाक रास्ता है, ये देख सकते हैं। जब भी आए बहुत सेफ हमें झुक कर चलना पड़ रहा है, क्योंकि ऊपर देख सकते हैं गुफा ही है। ये पूरा पानी है और देख सकते हैं नीचे पूरा, यहाँ से पूरा खाई नजर आता है। देख सकते हैं दोस्त ये पूरा खाई है। बीच बीच में ये पानी भरा हुआ है, हमको बहुत ही संभल संभल के चलना पड़ रहा है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसी पहाड़ में चढ़ना पड़ेगा। देख सकते हैं टावर नहीं है, वो यहाँ टावर नहीं है, पहाड़ चढ़े आए हैं। क्यों नहीं टावर? देख सकते हैं पूरा पहाड़ बादल से छू रहा है फ्रेंड्स, इतनी पहाड़ इतने ऊपर है। और देख सकते हैं कल आऊ नहीं लगाया, आज बहुत ही भयंकर है फ्रेंड्स। देख सकते हैं अभी इसके ऊपर हमें चढ़ना है। हे माँ ऊपर चढ़ चुका है, एक भैया आ रहे हैं नीचे से और हमें आगे और जानी है, तो बने रहिए हमारे साथ और भी आपको ऊपर हमारे साथ चढ़ाएंगे। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ना मतलब अब शाम के निकल ली नहीं डाले बने दिन हो गए। भाई आपका नाम क्या है? अमर। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये जो रास्ते हैं बहुत ही खतरनाक है, और देख सकते हैं नज़ारा ये पूरा पहाड़ से भरा हुआ है, और वहाँ देख सकते हैं पहाड़ पूरा बादलों को छू रहा है फ्रेंड्स। और आगे हमें इस सीढ़ी से और आगे ऊपर चढ़नी पड़ेगी, आप ये देख सकते हैं इस तरीके से सीढ़ी से हमें और आगे जानी होगी। तो बने रहिए हमारे वीडियो में और आगे भी आपको अच्छे अच्छे जानकारी देते रहेंगे। तो ये फ्रेंड्स ऊपर चढ़ रहे हैं और मैं भी चढ़ूंगा ये ऊपर, तो और भी एडवेंचर होने वाला है ऊपर। देख सकते हैं पूरा ऊपर पहाड़ चढ़ रहे हैं हम लोग। ये देख सकते हैं नज़ारा, तो फाइनली गाइस इस रास्ते से हम लोग चढ़े हैं देख सकते हैं, और ये पूरा पहाड़ है पूरा आसपास, ये देख सकते हैं आप। ये यहीं पे हम लोग ये बिस्किट खा रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे एक छोटा सा पहाड़ के ऊपर में जो है भाई जो है दुकान लगा रखे हैं, और बहुत ही सुंदर दृश्य है फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं यहीं पे हम लोग बिस्किट वगैरह खा रहे हैं, और आगे और भी ऊपर चढ़ना है फ्रेंड्स, इस रास्ते से ऊपर चढ़ना है आप देख सकते हैं।
इस वाले रास्ते से और भी ऊपर चढ़ना पड़ेगा हमें, लेकिन अभी बीच में अभी भूख भी लग रहा था हम लोगों को, तो अभी फूल मजा है, लेकिन सीढ़ी चढ़े वहाँ मजा है। हेलो गाइस, तो फाइनली हम लोग इस पहाड़ी के हरियर फोर्ट के टॉप में आ चुके हैं और मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है। और अभी हम लोग और भी आगे जाएंगे, उस वो जो शिवाजी का फ्लैग दिख रहा है उस वहाँ पे जाएंगे, वो टॉप पे, और देख सकते हैं बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ पे। और ये देख सकते हैं बहुत सुंदर है और पूरा बादल नज़र आ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरा बादल नज़र आ रहा है देख सकते हैं मेरे पीछे, और बहुत ही सुंदर व्यू है। इस वाले पहाड़ पे देख सकते हैं पूरा फॉग है, बादल से पूरा टच ऐसा लग रहा है, और देख सकते हैं पूरा बहुत दूर दूर तक नज़र आ रहा है, इधर पूरा नदी और इधर से पूरा उधर समुद्र तक नज़र आ रहे हैं, और इधर देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा पहाड़ नज़र आ रहा है फ्रेंड्स, तो बहुत ही सुंदर व्यू है। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, तो आगे की वीडियो और भी आपको देते रहेंगे। तो फाइनली हम ऊपर आ गए हैं फ्रेंड्स, और देख सकते हैं ऊपर में ये तालाब है, और देख सकते हैं यहाँ पे तालाब है, इसमें देखो ये मछली भी है, थोड़ा बहुत मछली नहीं सर मेढक है वो, देख सकते हैं फ्रेंड्स ये तालाब है ऊपर में टॉप फ्लोर पे। ये पूरा पहाड़ नज़र आता है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स पहाड़ के ऊपर में हरियर फोर्ट के ऊपर में देख सकते हैं तालाब है, और बहुत ही फेमस है ये, और ताज्जुब की बात है कि पहाड़ के ऊपर में तालाब है और नेचुरल तालाब है, देख सकते हैं बहुत ही सुंदर। आगे हम ऊपर चढ़ेंगे इस रास्ते से उस फ्लैग के पास, और उधर भी जाएंगे फ्रेंड्स, एक किला बना हुआ है वहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे। फाइनली फ्रेंड्स हम लोग ऊपर चढ़ चुके हैं, ये टॉप है, और देख सकते हैं हम लोग जो है फोटोग्राफ ले रहे हैं, और ये सामने वाला भी पहाड़ है जो बहुत बड़ा है, बादल में पूरा टच है ऐसा लग रहा है, देख सकते हैं पूरा बादल में वो लुप्त हो जा रहा है ऊपर का उसका हिस्सा जो है, और ये देख सकते हैं बहुत ही सुंदर व्यू है फ्रेंड्स, और ये देख सकते हैं पूरा बहुत दूर तक नज़र आ रहा है, और एक वो बड़ा सा जलाशय जैसे नज़र आ रहा है दूर में, और इसके ऊपर देख सकते हैं पहाड़ के ऊपर हरिहर फोर्ट के ऊपर एक तालाब है, ऐसे चार पांच तालाब है फ्रेंड्स, एक किला भी बना हुआ है, बोला जाता है 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में इस फोर्ट को बनाया गया था, इस फोर्ट ये किला को बनाया गया था यादव राजवंश के द्वारा, और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स बहुत सुंदर व्यू, ये बहुत सुंदर व्यू है, और कई सारे पहाड़ियाँ नज़र आती हैं यहाँ से, ये देख सकते हैं शिवाजी का वहाँ पे झंडा है, और एक किला भी बनाया गया है कोठी यादव राजवंश के द्वारा 9वीं से 13वीं शताब्दी में, और इसमें ख़ास बात यह है कि तालाब भी बनाया हुआ है यहाँ पे वहाँ पे, और उधर भी चार पांच तालाब जैसी संरचना है यहाँ पे ऊपर में पहाड़ों के बीच में ऊपर में फ्रेंड्स, और देख सकते हैं सामने एक पहाड़ है जो बादलों से टच है, देख सकते हैं पूरा बादल उस पर छाए हुए हैं, और पूरा ये बहुत बड़ा पहाड़ियों का घाटियों का है फ्रेंड्स ये हरिहर फोर्ट, और बहुत ही फेमस है, काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद यहाँ पे आते हैं टूरिस्ट लोग, काफ़ी यहाँ पे भीड़ रहता है, और देख सकते हैं मेरे पीछे ये पूरा नज़ारा है।
ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक कोठी है। और ऐसा तालाब बना हुआ है बीच बीच में, देख सकते हैं। इसमें मछलियां भी दिख रही है मुझे, छोटी छोटी मछलियां तैर रही है इसमें। और ऐसा कोठी बनाया है उस टाइम, देख सकते हैं, बहुत ही फेमस। इतना ऊपर बनाना एक ताजुब की बात है। और मेरा आवाज़ इको हो रहा है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। ये इसका दरवाज़ा समझ नहीं आ रहा है किधर से है, लेकिन लग तो रहा है इधर ही से है, क्योंकि और तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है, देख सकते हैं। अब अभी हम लोग शिवाजी के उस टॉप फ्लोर पे चढ़ेंगे, इस हरियर फोर्ट के टॉप है सबसे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, हम लोग और चढ़ रहे हैं ऊपर की ओर। ये हरिहर फोर्ट का सबसे टॉप का चोटी है समझ लीजिए। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये फ्रेंड सबसे ऊपर टॉप का चोटी है ये। फाइनली फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं शिवजी के फ्लैग के पास पहुंच गए हैं। और ये देख सकते हैं मेरे पूरा पीछे का नज़ारा, देख सकते हैं पूरा बादलों के बीच में हम लोग। और ये पूरा फाग है, बादल हैं। और देख सकते हैं कुछ नज़र नहीं आ रहा है सिर्फ बादल के सिवा। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्टीज है यहाँ पे चढ़ना। तो जब भी आएँ सावधानी पूर्वक आएँ। थैंक यू सो मच। इस तरीके से पानी ऊपर से लेके आता है, काफ़ी ऊपर से। और ये आगे ऊपर व्यू पॉइंट है, और यहाँ से 90 डिग्री सीढ़ी जो है स्टार्ट होगा। तो अब हम उतरेंगे और नीचे पहुँचते हैं मेरे साइकिल के पास, फिर वहीं वीडियो एंड करेंगे। उतरो उतरो ये भाई, ऐसे ना स्लिप होएगा पर आराम से उतरो। चप्पल चप्पल गाने दे रहा है, चप्पल जो है ग्रिप नहीं है। आप नीचे जा रहे, नीचे जा रहे। हां निकल, अच्छा हो गया हमारा। बहुत स्लो कर रहे हैं, स्लो से क्या मोबाइल क्या मोबाइल नीचे खाली चलवाओ। जाओ नीचे और रुको, तुम्हारा जाए जगह खत्म। ठीक रुको रुको। ए चल रे, वीडियो काटते फालतू बे लूडू, ये तो कान पड़ा ले।
तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग हरिहर फोर्ट से उतर चुके हैं और ये हमारा साइकिल रेडी हो गया जाने के लिए और हमने बिल पे कर दिए हैं होटल का, होटल में जो खाने खाए थे और जो है नाश्ता वगैरह किए थे तो वो सब का पे कर दिए हैं और हम लोग जाने के लिए रेडी हैं और फिर से वहीं जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस जाएंगे। फिर वहाँ से वहाँ पे हम लोग हाईवे लेंगे, हाईवे से फिर हम अभी त्र्यंबक जाएंगे, त्र्यंबक में भी त्र्यंबक के आसपास पहुँच जाएँ या त्र्यंबक ही पहुँच जाएँ, वहाँ स्टे करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारा हमारा जो यात्रा है इसी तरीके से नए नए जगह पे जाती रहेंगी और नए नए वीडियोस आपके लिए एडवेंचर वाली वीडियोस और लाती रहेंगी। तो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।